चलिए देख लेते हैं इसका बूट। जब इसे आप खोलेंगे तो 7 सीटर वाला ऑप्शन है और इसे फोल्ड करके आप 512 लीटर के लिए अपनी जगह बना सकते हैं। और इस सीट को अगर चाहें अलग निकालना है तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तेपुर नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और सिट्रॉइन ने अपनी C3 एयरक्रॉस को अनवील किया है। क्या है इस गाड़ी में यही दिखाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहां पर ऑलरेडी कई सारे प्रोडक्ट हैं सिट्रॉइन के। C5 एयरक्रॉस आपने देखा, इनका इलेक्ट्रिक C3 देख लिया, इसके अलावा C3 देख लिया। अब इसमें क्या चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि इन्होंने दो विकल्प में इसे यहाँ पर दिखाया है, 5 सीटर और 7 सीटर। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं सब कुछ इस गाड़ी का। तो भैया ये C3 एयरक्रॉस काफ़ी अलग आपको नज़र आएगी सामने से, क्योंकि यहाँ पर आपको आक्रामकता SUV वाली मिल जाती है। और जो अप्रोच एंगल दिख रहा है, ये इंडियन कंडीशन में किसी भी रास्ते का सामना कर सकती है, ऐसा कंपनी का कहना है। बाद में हम टेस्ट करेंगे क्योंकि इस गाड़ी को कंपनी अगले साल लॉन्च करेगी। और यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं, तो ब्लैक आउट ट्रीटमेंट अच्छे से मिल जाएगा और ये अच्छा लगने वाला है। ग्रिल यहाँ और यहाँ ये जो देखेंगे काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता है और जो हेडलैम्प यूनिट मिलती है, यहाँ पर आपको ये पार्ट पूरा का LED DRL मिलता है और हेलोजन बल्ब के साथ में यहाँ पर ये हेडलैम्प मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉग लैम्प। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। हालांकि इसे लोग कितना पसंद करेंगे, डिज़ाइन सब्जेक्टिव होता है, ये लोगों पर डिपेंड करता है। जब आएगा तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी जो यहाँ पर नज़र आ रही, यहाँ पर काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अब दिखाता हूँ आपको साइड प्रोफाइल। तो चलो अब आपको दिखा देते हैं इसका साइड प्रोफाइल। यहाँ पर आपको रूफ रेल कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। 4.3 मीटर की ये SUV है, लेकिन डोर हैंडल आपको C3 वाला ही मिलने वाला है। क्लैडिंग वगैरह कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और आपको ये कुछ इस तरीके का ड्यूल टोन आपको अलॉय मिलता है। इस पे 215/60 R17 के टायर प्रोफाइल मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा अगर क्लैडिंग देखेंगे, गाड़ी के चारों तरफ परिक्रमा लगाती हुई आपको नज़र आएगी। और अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर भी आपको ये ब्लैक कलर का जो RBM मिल रहा है, इस पे टर्न इंडिकेटर दिए गए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अंदाज में यहाँ पर नज़र आएगी। हालांकि कीमत बताएगी कि इसे लोग कितना पसंद करेंगे, क्योंकि कीमत यहाँ पर आकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रियर प्रोफाइल। तो चलिए भैया देख लेते हैं इसका रियर, और रियर में क्या क्या चीज़ें मिलती है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको स्पॉइलर कुछ इस तरह से मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है और यहाँ पर डिफॉगर मिल जाएगा, स्टॉप माउंट लैंप और ये वाइपर कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और टेल लैंप अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे अंदाज में यहाँ पर लगाया गया है। C3 एयरक्रॉस की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर सिट्रियन लिखा हुआ मिल जाएगा और इस जगह पर प्योर टेक ये आपको नज़र आ जाएगा। दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और ये डिपार्चर एंगल काफ़ी आपको अच्छा लगने वाला है। तो भैया चलिए देख लेते हैं इसका बूट। जब इसे आप खोलेंगे तो 7 सीटर वाला ऑप्शन है और इसे फोल्ड करके आप 512 लीटर के लिए अपनी जगह बना सकते हैं। और इस सीट को अगर चाहें अलग निकालना है तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो पूरी की पूरी सीट बाहर हो जाती है। और अगर सामान रखना है तो अपने घर में रख दीजिएगा सीट, नहीं तो फिर दोबारा ऐसे ही फिक्स कर दीजिए, यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और ये फिर अपने पोजीशन में आ जाएगी। तो भैया ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। अब लेके चलता हूँ सीधे आपको इसके इंटीरियर में। तो भैया मैं इसके रियर सीट पर आ गया हूँ, यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले नज़र आपको यहाँ पर जाएगा, जो AC वेंट दिए गए हैं यहाँ पर लगाए गए हैं और उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लगी है और ये बहुत अलग तरीके से यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी अच्छा हेडरूम मिलता है, अगर मेरे हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हेडरूम मिल रहा है। और ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, एक ये एकीकृत मिलेगा जहाँ पर थर्ड बंदा बैठेगा बीच पे, तो उसके लिए ऐसे नॉर्मल, और ये वाला भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, हालांकि यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप बैठेंगे तो थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, लेग रूम अच्छा मिल रहा है। मेरे ड्राइविंग के लिहाज से मुझे काफ़ी अच्छी जगह मिल रही है। यहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं, दोनों सीट पर जगह दी गई है, पानी की बोतल वगैरह दरवाजे पर लगा सकते हैं और सॉफ्ट टच आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये अच्छी चीज़ है। और अगर इस विंडो को डाउन करना है तो उसके लिए स्विच कहाँ दिया गया है, वो यहाँ पर दिया गया है, देखिए इस जगह पे दिया है, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन यहाँ पर दिया गया है। और छोटा मतलब कप होल्डर यहाँ पर भी इन्होंने बना दिया है, तो ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी। लाइट की व्यवस्था यहाँ पर इन्होंने दी है और दरवाजे पर भी आपको बहुत सारे सॉफ्ट टचेस मिलने वाले हैं। अब क्या करता हूँ, सीधे आपको थर्ड रूम में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि थर्ड रूम में कितना कुछ इन्होंने ऑफर किया, क्योंकि ये थर्ड रूम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए थर्ड रूम पर आपको लिए चलते हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं इसके थर्ड रूम में। कैसे जाना है देखिए, यहाँ पर ये खींचिएगा, ये ऐसे टम्बल डाउन चला जाएगा, पूरा खुल जाएगा और आप इसके थर्ड रो में आ सकते हैं। अगर थर्ड रो ऑन है तो आप ऐसे बैठ सकते हैं, मतलब मेरे जैसा बंदा बैठेगा, कंफर्टेबल नहीं हूँ लेकिन मैं बैठ सकता हूँ, ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट आप कर सकते हो
कुछ मतलब पीछे नहीं जाने वाला, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, अच्छी चीज़ है। तो दो लोग पीछे बैठ सकते हैं, और फिर भी मैं इसे बोलूँगा कि ये ज़बरदस्ती दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये ना होता तो सामान रख सकते थे। अगर ये सीट बंद होगी तो 512 लीटर से ज़्यादा आपको सामान रखने की जगह पर यहाँ मिल जाएगी, और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ नहीं वगैरह अच्छी मिलने वाली है, यहाँ पर भी सामान वगैरह अच्छे से रख सकते हैं। अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो मुझे हेडरूम भी ठीक मिल रहा है, मतलब मुझे यहाँ पर थोड़ी मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि दिक्कत हो रही है, तो लेकिन मुझे ऐसा बैठना पड़ेगा तो मुझे अच्छा हेडरूम मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे बैठूंगा तो थोड़ा सा फिर भी मैं थोड़ा कम्फर्ट रहेगा, और 20-25 किलोमीटर की जर्नी कर सकता हूँ। बाद में जिक्र करूँगा जब इसे चलाएंगे, रिव्यू करेंगे, तो हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें इन्होंने ऑफर की है, कितनी प्रैक्टिकल हैं ये चीज़ें। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ फ्रंट रो में सबसे आगे, और दिखाता हूँ वहाँ क्या कुछ ऑफर किया है इन लोगों ने। तो भैया आइए आपको दिखा देते हैं सिट्रोयन C3 एयर क्रॉस का फ्रंट, यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं। तो डैशबोर्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है, एसी वेंट का अंदाज जो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ पियानो ब्लैक फिनिश पर कुछ इस तरीके से दिया गया है। एसी का पूरा कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाता है, और यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। जो यूएसबी सॉकेट दे रहे हैं देख रहे हैं, ऐसे आपको 5 सॉकेट पूरी गाड़ी में मिलने वाले हैं। गियरबॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जो गाड़ी यहाँ पर दिखाई गई है जिसमें बैठा हूँ, ये 7 सीटर विकल्प वाली है। कप होल्डर यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, और सीट की कुशनिंग वगैरह की बात करें तो बहुत अच्छी दी गई, तो ये मुझे पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि यहाँ पर जो आपको आर्मरेस्ट मिलता है सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलता है, तो आपको पैसेंजर का यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, तो पैसेंजर ऐसे बैठेगा, उसके लिए होता तो अच्छा रहता। लेकिन कैसे जब फाइनल स्वरूप में हम इस गाड़ी को देखें, हो सकता है कुछ चेंज हो। एंड्रॉयड ऑटो, एपर कार पे सब मिल जाता है, 10 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया गया है, और यहाँ पर IRBM आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑटो डिमिंग नहीं है, ये लाइट कुछ इस तरीके से दी गई है। यहाँ पर वैनिटी मिरर यहाँ पर सनवाइजर पर मिल जाता है, इस तरफ आपको कुछ और नहीं मिलेगा। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से शुरू हो रहा है। सिट्रोइन सुबह फिर देखिए, तो जैसे अगर ये ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑन होता है, बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। मुझे ये पार्ट अच्छा लगता है सिट्रोइन का। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी जिसका जिक्र किया जाएगा अभी, क्योंकि ऐसे खड़ी है, इन्होंने डिस्प्ले किया है, अनवील किया है। इस तरफ आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है, स्टीयरिंग जो है आपको टिल्ट की सुविधा इस पर मिल जाती है, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और देखेंगे तो ये फ्लैट बॉटम है, तो जिनके पास तोंद ओद है ना, वो भी आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, और मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ों में ये लोगों को पसंद भी आ सकती है, क्योंकि आक्रामकता बाहर से दिखेगी, कम्फर्ट अंदर मिल जाता है, और ये कम्फर्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो भैया आपको चलते चलते इसका इंजन भी दिखा देते हैं, ज़रूरी है। हालाँकि इंजन बहुत सारी गाड़ियों में नहीं बदलता, गाड़ी का शेप डिज़ाइन सब बदल जाता है, बट इंजन वही रहता है। तो टर्बो और नेचुरल स्पिरिट में आपको मिलने वाला है, तो ये इसका पूरा इंजन है। पैकेजिंग आपको ये मिलने वाली है, काफ़ी दुरुस्त पैकेजिंग हमेशा से रही है, और सिट्रॉन की ये आपको चीज़ मिल जाएगी। इंसुलेशन प्लेट वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा, तो जो कि काफ़ी अच्छा है, जब केबिन में इसकी वजह से केबिन में आपको कोई भी आवाज़ नहीं जाएगी जब आप ड्राइव कर रहे होंगे। हालाँकि ये किस तरीके से प्रॉब्लम करेगी बाद में बात करेंगे जब इसे हम ड्राइव कर रहे होंगे। तो भैया ये था हमारा डिटेल वॉक अराउंड, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में।